नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634, 0222300 1635। और सबसे पहले अभी बात करते हैं कि आज दिन भर के बाज़ार में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। और अगर मार्केट में एक्शन की बात करें तो पिछले दो दिन में कोरिएंडर का वायदा, धनिया का वायदा करीब 8% लुढ़का है और धनिया वायदा 6,550 रुपये के नीचे आज बंद हुआ है। एक्सपोर्ट मांग भी कम है और डोमेस्टिक डिमांड भी कम है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा टर्मरिक में भी तेज़ गिरावट है, 7,000 रुपये के नीचे भाव फिसला है, 2% तक दाम टूट चुके हैं। हाजिर में मांग भट्टे से कीमतों पर दबाव बना है। ये एग्री मार्केट का हम आपको हाल बता रहे हैं अलग अलग कमोडिटी का। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। टेक्निकल व्यू देंगे सचिन गुप्ता, जो कि चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही फंडामेंटल आपको बताएंगे एंजल कमोडिटी के रितेश साहू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और तरु सत्संगी भी हमारे साथ हैं, जो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल और साथ ही स्पॉट मार्केट का हाल भी बताएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रितेश आपसे ही होगा, चूँकि आप फंडामेंटल ट्रैक करते हैं। क्या फंडामेंटल आपको दिख रहा है अभी इन दोनों कमोडिटी का, कोरिएंडर का और टर्मरिक का? एक्चुअली जो कोरिएंडर कमोडिटी है वो अगर हम बात करें तो जो लास्ट ईयर के मुकाबले अभी 40% के ऊपर स्तर पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो कुछ रिपोर्ट ऐसे आई हैं कि इतने हायर प्राइस से अभी नीचे प्राइस से जो कमोडिटीज़ हैं वो इंपोर्ट होनी शुरू हो गई है, तो उसके वजह से ये प्राइजेस में अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। और अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक का जो एरिया है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो साउथ में जो मॉनसून है वो अभी सक्रिय हो चुका है और जो एरिया है वो अभी बढ़ सकता है, इसके कारण टर्मरिक में भी हमने अभी 2% की गिरावट देखी आज। आपका टेक्निकल व्यू क्या है सचिन इन दोनों कमोडिटी के ऊपर? जी, ये इन दो दिनों के अंदर एक अच्छी खासी मंदी का माहौल जो है वो धनिया के अंदर देखने को मिला है। हालांकि आज भी करीब 3% 4% प्राइसेस डाउन है, कल भी 3 से 3.5% प्राइसेस डाउन थे। काफ़ी क्रूशियल लेवल्स को मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है डाउन साइड में जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो 6350 के आसपास में आता है। मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू डाउन साइड ही रहेंगे और 6350 का लेवल्स जो है वो टेस्ट करेंगे। तरुण जी, आपका क्या नज़रिया है स्पॉट मार्केट में फंडामेंटल को देखते हुए, फ्यूचर मार्केट में इन दोनों कमोडिटी की चाल आपको क्या दिख रही है, कोरिएंडर की और टर्मरिक की? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, आई थिंक जिस तरीके से धनिया के प्राइसेस टंबल हुए हैं लास्ट 3 डेज के अंदर, ये तय है कि इसमें अभी और गिरावट आएगी और सस्टेनेबल गिरावट आएगी। हमको ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ये 6,000 के नीचे प्राइस जा सकते हैं, कहीं ना कहीं 5,800-5,700 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। और जहां पैनिक सेलिंग आती है वहां बायर ऑलरेडी साइडलाइन हो जाते हैं टू गेट अ बेटर प्राइस, तो यहां पर देखिए बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से अभी इस काउंटर की पिटाई हुई है, तो मुझे में वीकनेस दिखाई देती है। ओके, तो सारे जानकार कमोबेश एक ही पिच पर हैं और सब ये मान रहे हैं कि अभी मार्केट दबाव में ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करेंगे। चने को लेकर के आपका क्या व्यू है रितेश, क्या फंडामेंटल आप देख पा रहे हैं? चने में एक्चुअली जो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है अभी बरकरार है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से जो लास्ट ईयर प्रोक्योर किया था वो अभी ऑफलोड कर रही है और जो नया सीज़न है 18-19 का वो अभी खरीद रही है। तो और एक फंडामेंटल ये है कि जो एरिया जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा था, थर्ड एस्टिमेट के हिसाब से जो प्रोडक्शन था वो 100 लाख टन से ज़्यादा था। और देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स है येलो पीस का और चने का इंपोर्ट्स वो भी काफ़ी घटा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो चने का जो
रहेगा, चने की जो मूवमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रह सकता है नेक्स्ट आने वाले वीक्स में, क्योंकि प्राइजेस अराउंड 4,400 के रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है चने के ऊपर कि आपको करना क्या है। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है दिलीप कुमार का हनुमानगढ़ से। पूछिए दिलीप। सर ये कॉटन सीड केक के अंदर क्या करना चाहिए? सर अभी मैंने अभी 2961 के भाव पे इसको सेल किया था। 2961 के भाव पर आपने सेल किया था और आप जानना चाहते हैं कि अभी इसमें करना क्या है। हाँ बताइए सचिन, क्या करें इसमें? जी कॉटन सीड की बात की जाए तो इसका अंडरटोन जो है काफ़ी पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले हैं। 1600 की रेंज से जो प्राइसेस चलना स्टार्ट हुए हैं तो जो अभी तक थमने का नाम नहीं है। मुझे लगता है इसमें शॉर्ट सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। हालांकि इनकी ऑलरेडी सेल पोजिशंस हैं तो मेरा सजेशन इसमें यही रहेगा कि एक बार पोजिशन को एग्जिट करिए, और अगर डिप साइड में अगर 3000 या 2980 के आसपास में प्राइसेस मिलते हैं तो उन लेवल्स पर एक बार पोजिशन एग्जिट करिए और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी को ही आगे फॉलो करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल है किशन का बीकानेर से। पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी मेरा सवाल ग्वार पे है, ये ग्वार में मंदी क्यों आ रही है जब ग्वार के बेल्ट में बारिश भी नहीं हुई है? बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर सब सूखा पड़ा है, फिर भी मंदी क्यों आ रही है? हाजिर में माल भी नहीं है, क्या कारण है मंदी का? तरुण जी क्या कारण है ग्वार में? ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल तो कमजोर नहीं है फिर भी मंदी क्यों आ रही है? सी अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो ग्वार के प्राइसेस काफ़ी हफ्तों से एक साइडवेज बैंड में मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, नीचे की तरफ 4100 के आसपास से अच्छी बाइंग आ जा रही है। और देखिए माना कि है ना जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वहाँ पर रेनफॉल अभी तक कम है, बट अभी भी क्या है कि मच ऑफ जुलाई और अगस्त का बाकी है जो कि क्रूशियल मंथ होते हैं रेनफॉल के, तो हल्का सा भी पिकअप होगा तो आई थिंक जो प्रेशर है क्रॉप कंसर्न है वो ईज हो जाएगा। मार्केट अनसर्टेन है जिस वजह से एक दायरे में मूव कर रहा है 4100 से 4500 के बीच में। ठीक है, अगला सवाल है हरीश का इंदौर से। पूछिए हरीश। सर एक दो महीने में चने का क्या लेवल आ जाएगा? सर एक दो महीने में चने में क्या लेवल आ जाएगा ये आप जानना चाहते हैं, और अभी आज जो चने की क्लोजिंग प्राइस है वो 4256 का लेवल है, 14 रुपये बढ़कर बंद हुआ है, क्या लगता है आपको रितेश? अभी बाय करके ही चलना चाहिए मुझे लगता है कि, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट के पास चना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो भी MSP के रेट से जो 4600 का रेट है उस पर बाय कर रही है। हालांकि बाय स्लो है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बाय अभी तेज करेंगे वो लोग। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तेज होने वाले। ठीक है, कोमल है हमारे साथ, पूछिए कोमल। सर मेरा सवाल निकेल पर है, निकेल मैंने अभी अभी सेल किया है 993 पे, तो मुझे इंट्राडे के लिए चाहिए था। अभी मैं अगर सेल किया है तो कितने तक की लेवल दिख सकती है? बताइए तरुण जी, क्या लगता है आपको 993 के स्तर पर बिकवाली है इनकी निकेल में, क्या करना चाहिए? सी अनडाउटेडली लास्ट फोर्टनाइट के अंदर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल ने बहुत अच्छा रैली दिया है, बट जिस तरीके से 1050 से है ना 990 के आसपास तक जो लास्ट टू डेज के अंदर करेक्शन आया ये तय है कि शॉर्टर टर्म में फर्दर करेक्शन हो सकता है इस काउंटर के अंदर। इनको सलाह दूंगा 1010 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ज़्यादा मंदी नहीं है इस काउंटर के अंदर, लेकिन जब भी 960-950 के प्राइस मिलें वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीचे आए तो प्रॉफिट बुक कर लें, ज़्यादा मंदी नहीं है तो आप बहुत लंबी या बड़ी गिरावट का वेट अभी ना करें। अगला सवाल है राजू का बुलंदशहर से। पूछिए राजू। हेलो सर, आज चांदी में क्या करना चाहिए आज के लिए? आज चांदी में क्या करना चाहिए? ओके, 74 रुपये ऊपर है चांदी, 41,360 के स्तर पर है, क्या करें सचिन? जी बिल्कुल, आज के दिन में जो ट्रेड रहेगा वो बाइंग का ही रहेगा, मुझे लगता है एक बार 41,250 के आसपास में अगर चांदी मिलता है तो बाय करके चलिए, डाउन साइड में जो है वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करिए 41,050-41,040 का, और अपसाइड में मुझे लगता है एक बार 41,600-650 की रेंज जो है आज के दिन में दिखा सकती है। ओके ठीक है, ये रहा आपके लिए चांदी पर, शुरुआती दौर में गिरावट के बाद एक तेज रिकवरी यहाँ पर चांदी में बनती हुई दिख रही है छोटा। चलिए इस बीच रजनीश आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। पूछिए रजनीश।
सर मेरे 5 लोड गोल्ड बाइंग पड़े हैं 37,100 रुपए पर सर। 37,000 35,100 अच्छा 3500 पर आपने बाई किया है। हाँ जी सर। ओके तरुण जी क्या करना चाहिए? आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए जब तक कि 34,880 के नीचे गोल्ड के प्राइसेस स्लिप नहीं करेंगे, क्लोज नहीं होंगे, तब तक गोल्ड के अंदर जो करेक्शन है वो फर्दर देखने को नहीं मिलेगा। और आई थिंक 70 रुपीज़ डाउन है ये अपने बाइंग प्राइस से, वो हो सकता है इवनिंग सेशन में ही देखने को मिले। 34,880 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, आने वाले एक या दो दिन के अंदर 35,250 35,300 गोल्ड के प्राइस देख सकते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये। ठीक है, अगला सवाल है अश्विनी का, सहारनपुर से है हमारे साथ। पूछिए अश्विनी। सर मुझे नेचुरल गैस पर करंट लेवल से क्या करना चाहिए, तरुण जी से पूछना है। नेचुरल गैस में करंट लेवल पर क्या करना चाहिए बताइए तरुण जी। आई थिंक वेट करना चाहिए, 150 से 170 का एक प्राइस बैंड है जिसमें प्राइस एक्टिविटी हो रही है, 155 के आसपास आए तो इस काउंटर को बाय किया जा सकता है 150 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, और आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर 170 देखने को मिलेगा। दायरे का कारोबार है, लोअर रेंज पर बाय करना बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये काउंटर ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ठीक है, सवाल जवाब जारी है। प्रताप है हमारे साथ बीकानेर से, पूछिए प्रताप। सर मैंने 360 में गोल्ड प्लस कर रखा है, मुझे एवरेज करना चाहिए, ये क्या करें? 360 में आप कर 35,360 में आपने प्लस किया है? 360 में। ओके क्या कर रहे हैं सचिन जी? मुझे लगता है इनको एक बार पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए और इन लेवल्स पे एक बार जो है वो एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 350-360 की कॉस्ट है, ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन चल रहा है इनके लेवल से। डेफिनेटली इन लेवल्स पे एवरेज करिए और अपसाइड में जो है 35,450 और 500 की जो रैली आएगी तो उसमें एक बार प्रॉफिट बुक करिए। अगला सवाल है सुभाष का हरियाणा से, पूछिए सुभाष। ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार में क्या करना चाहिए बताइए। ग्वार में अभी भी जो हमने देखा था, जो तीन चार सेशंस में हमने देखा कि ग्वार का प्राइजेस गिरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एरिया है अभी भी जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो 40% कम बता रहे हैं, तो आप अगर ग्वार में अभी भी बाय करके ही चलना चाहिए क्योंकि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये प्राइजेस अराउंड 4500 क्रॉस कर सकते हैं, 4500 के ऊपर। यस सर। सत्यवान है हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए सत्यवान। सर कॉटन का भविष्य क्या है? कॉटन का फ्यूचर क्या है आप जानना चाहते हैं? सर ठीक है। ओके क्या फ्यूचर है आप? कॉटन में अभी भी हमको लग रहा है कि प्राइजेस और नीचे जा सकते हैं क्योंकि जो आंकड़े यूएसडीए ने दिए हैं, जो वीकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा दिए हैं, उसमें इंडिया का जो इंपोर्ट है वो अराउंड 200% से बड़ा है। तो लास्ट अगर मई से देखा जाए तो अराउंड 8 लाख रनिंग बेल्स का हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है। और एक जो इम्पोर्टेंट है कि गुजरात का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हुआ है और जो कल से काफ़ी अच्छी बारिश भी हो रही है, जो अच्छे ड्राई स्पेल के बहुत बड़े ड्राई स्पेल के बाद जो बारिश हुई है वो कॉटन को रिवाइव कर सकती है, तो प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर का जो आने वाला है वो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी भी सलाह दी जाती है कि कॉटन का प्राइस अराउंड 20,500 के लेवल से बाय बनता है, अभी तो सेल पे ही है वो। ठीक है, विक्रांत है हमारे साथ, पूछिए विक्रांत। सर मेरा सवाल सिल्वर पे और लेड पे है, सिल्वर मेरा 39,000 पे सेल है और लेड मेरा 152 पे सेल है, तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? 39,000 पर सिल्वर और लेड किस भाव पर सेल है आपका? 152 पर लेड। ठीक है बताइए तरुण जी क्या करना चाहिए? 39,000 पर चांदी में बिकवाली है इनकी, 152 पर लेड। आई थिंक सिल्वर से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी लॉस हो रहा है और सिल्वर का जो मेजर अंडरटोन है अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। अगर $16.50 के ऊपर क्लोज देगा कॉमेक्स में और एमसीएक्स में 41,500 के ऊपर क्लोज देगा तो इसके अंदर फर्दर रनअप देखने को मिलेगा, जो प्राइजेस को $19-$20 कॉमेक्स में और अराउंड 44,000 एमसीएक्स में लेकर जाएंगे। बैट अगेंस्ट में मैं इनको बोलूँगा कि एक बार लॉस बुक कर लें और जो भी डिप्स मिलता है सिल्वर में, इनफैक्ट बाइंग साइड में बैठे तो हो सकता है इनका लॉस कवर हो जाए। रही बात लेड की, लेड 170
57 से 147 की रेंज में मूव कर रहा है। इन्होंने लोअर रेंज के आसपास बाय शॉर्ट पोजीशन बनाया है, 2 रुपये ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी जिस तरह से कॉपर प्राइस डाउन हुए हैं और रिमेनिंग बेस मेटल थोड़ा सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं, इनको इनका प्राइस मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मंदी इस काउंटर में नहीं दिखती है जब तक कि 147 के नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो ये राय आपके लिए है सिल्वर के ऊपर और लेड के ऊपर। अगला सवाल है प्रणव कुमार का कोलकाता से, पूछिए प्रणव। गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन था, ये जो फेड अभी 0.25% डिस्काउंट किया, इसका इफेक्ट गोल्ड पर क्या होगा, माने ये बढ़ेगा या कमेगा या नॉर्मल रहेगा, तो क्या ये बढ़ेगा कि कमेगा? हाँ, मतलब इंटरेस्ट रेट में अगर कोई बदलाव नहीं होगा तब क्या होगा, और अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है या फिर बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, बताइए सचिन जी। जी देखिए, अभी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, उसकी वजह से जो है गोल्ड के अंदर एक सडन स्पर्ट जो है एक देखने को मिला था, हालांकि आज और कल के अंदर जो है वो एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, बिकॉज रेट कट की न्यूज़ के बाद में एक डॉलर में एक सपोर्टिव मोमेंटम देखने को मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइजेस थोड़े से स्लाइडली डाउन आए हैं। हालांकि अगर गोल्ड का अंडरटोन देखा जाए तो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आगे वाले आने वाले समय में जो है अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और अपसाइड में मुझे लगता है एक बार 35,400 रुपए तक के जो है वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। 35,300, 35,400 आने वाले दिन आपके कितने दिन में आएंगे? जी ये जैसे भी इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग जो डिसीजन आने वाला है वो आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो आने वाले दिन आ जाएंगे। आ जाएंगे, मतलब कब तक आ जाएंगे? जैसे जी जैसे अपकमिंग वीक में जो है फेड मीटिंग है, फेड मीटिंग के डिसीजन के बाद में डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, सुरेंद्र हैं हमारे साथ बीकानेर से, पूछिए सुरेंद्र। हेलो सर, मेरा सवाल तरुण जी से है, मैंने एनजी 161 पे बाइंग करवा रखी है, मेरे करंट रेट पे अब क्या करना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? एनजी आपने बाय किया है? हाँ, 161 पे बाइंग किया है सर ने। बताइए तरुण जी, होल्ड करना चाहिए 150 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि 150 से 170 का रेंज बना हुआ है, 155 के नीचे मिलता है फर्दर एड ऑन कर सकते हैं, एंड द मोमेंट 168-170 के प्राइस आएंगे वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इनको। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, लेकिन अब बारी है रैपिड फायर राउंड। तरुण जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं गोल्ड में बाय करना प्रेफर करूंगा एट 34,980, स्टॉप लॉस रहेगा 34,880 के नीचे, एंड टारगेट जो मुझे लगता है आज और कल के अंदर 35,300 का। आपकी कॉल सचिन। मेरा आज का रैपिड फायर कॉल सिल्वर में बाय का रहेगा, मुझे लगता है 41,250 के आसपास में एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 41,050 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 41,600 रुपए तक का टारगेट देख सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल तरुण जी। मेरे को क्रूड में अभी भी वीकनेस दिखाई देती है, अगर राइज मिलता है 3900 पर सेलिंग किया जा सकता है, 3950 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और इंट्राडे में 3810 का प्राइस देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका, सचिन आपका और रितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।